खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने स्वराज एक्सप्रेस के खास बातचीत में कहा है कि सड़े गले और खराब अनाज के वितरण की शिकायत आने पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की जाएगी बल्कि उन्हें जेल तक भेजा जाएगा। इसको लेकर सभी कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं। अब हर महीने की 7 तारीख को अन्न उत्सव मनाया जाएगा जिसमें प्रदेश की सभी 25,445 दुकानों पर राशन वितरित किया जाएगा। वहीं मौके पर कांग्रेस पर भी जोरदार निशाना साधा। नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह हमारे साथ हैं। सिंह साहब, बड़ी बात चली थी रोडमैप तैयार करने की, अब तो अच्छा खासा आपको मंत्री बने भी समय हो गया है, क्या रोडमैप है? देखिए, सबसे पहला काम तो ये है कि हमारे यहाँ 1,15,00,000 परिवार और 4,90,00,000 हितग्राही, हम ये तय किए हैं कि सभी हितग्राहियों को पर्याप्त मात्रा पर राशन मिले। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि गरीब की थाली कभी न रहे खाली, तो हमने इस ओर काफी प्रयास किया है। अभी 7 तारीख को एक अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन हमने पूरे प्रदेश में किया था और हमारे यहाँ जितने दुकानें थे 25,435 दुकान, सब दुकानों में हमने बैग में भर के हितग्राहियों को राशन दिया। दूसरी ओर अभी शिवपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया और गुना जिलों में बाढ़ की स्थिति से जो जिनकी फसल नष्ट हो गए, जिनके घर गिर गए, जिनकी मवेशी खत्म हो गए, तो विभाग द्वारा जितने ऐसे लोग हैं सबको 50 किलो एक्स्ट्रा हम लोग गेहूं का आटा भी वितरण कर रहे हैं। उसके अलावा जो 5 हितग्राहियों को जो राशन मिलता है 5 किलो प्रति माह, इसके अलावा 50 किलो एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। तो लगातार ये विभाग गरीबों के कल्याण में लगा हुआ है और इस बार हमने कल तय किया है कि प्रत्येक 7 तारीख को जितने 5 हितग्राही हैं 4,90,00,000, तो हर महीना इनको उचित मूल्य की दुकान में राशन वितरण का काम किया जाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पे आप और सरकार एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई शिकायतें भी आती हैं कि हालांकि कोई भी अभियान हो तो शिकायतें आती हैं, जैसे खराब अनाज वितरण की शिकायत आई, ये कहा गया कि गरीबों का सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की ओर से अपमान किया जा रहा है, और साथ ही जो है चूंकि उसमें आपके नेताओं के चित्र भी लगे हैं तो पब्लिसिटी की जा रही है। देखिए, कांग्रेस क्या कहता है क्या नहीं करता उससे हमसे मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य ये है कि गरीबों को राशन मिलना चाहिए और राशन अगर हम वितरण करते हैं तो मैं समझता हूँ किसी को आपत्ति नहीं करना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों जो कहीं के हों। उन लोगों ने तो कभी गरीबों को राशन बांटा नहीं और आज हम राशन बांट रहे हैं तो उनको आपत्ति हो रहा है। इससे साफ जाहिर है कि गरीबों का कल्याण कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती है। और दूसरी बात, आपने जो कहा, आज तक कहीं से कोई शिकायत मुझे नहीं प्राप्त हुआ कि खराब राशन वितरण किया जा रहा है, और अगर कहीं से शिकायत आता है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और जेल तक भेजेंगे अगर कहीं पे गरीबों को सड़ा राशन या गलत राशन मिला। ये सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं, तो अभी तक शिकायत नहीं आई है। अगर कोई शिकायत आएगी तो जरूर उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अब थोड़ी सी बात विपक्ष की भी कर ली जाए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जो है कश्मीरी ब्राह्मण है, आप चूंकि 40 साल कांग्रेस में रहे हैं तो आपका कमेंट इस पर काफी खास अहम होगा। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में आए, इसके पूर्व में जरूर ये कश्मीर से आए थे, तो वो लोग कश्मीरी पंडित थे। अब बाद में राजीव गांधी तक तो हम जानते हैं कि सब कश्मीरी पंडित है, इंदिरा जी वगैरह, अब वर्तमान में राहुल गांधी पंडित हैं कि क्या है मेरी जानकारी नहीं तो मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करता। चलिए, मध्यप्रदेश से जुड़ा भी एक सवाल कर लेते हैं। विधानसभा भी खत्म हो गई लेकिन कांग्रेस के सवाल वहीं के वहीं रहे, महंगाई और बेरोजगारी, और इस पर उनका कहना है कि सरकार कुछ सुन नहीं रही, तो क्या वाकई जनता की अनदेखी हो रही है? हम विधानसभा का सत्र इसीलिए बुलाए थे
कि कांग्रेस के पास महंगाई या कोई भी मुद्दा हो तो पूरे जोर शोर से उठाएं, उसकी जवाब भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार देगी। दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के न आदरणीय कमलनाथ जी न उनके साथियों ने कोई महंगाई के विषय में चर्चा ही नहीं किया, सिर्फ हो कर करके विधानसभा डेढ़ दिन में समाप्त कर दिया। तो ये तो विपक्ष का काम है कि कुछ मुद्दा उठाए उसका हम जवाब दें। बिल्कुल, ये थे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल सिंह, जिन्होंने बड़ी ही बेभावगी के साथ सराय एक्सप्रेस के सवालों के जवाब दिए। दरबार सिंह बैस, सराय एक्सप्रेस, भोपाल।